नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव की, क्योंकि कल आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। आज राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 सीटें और बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें शामिल है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि अब वक्त के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। कल आखिरी चरण यानी 7वें चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटें इसमें शामिल है। बात यूपी की करें तो यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज, क्योंकि कल आखिरी चरण के साथ ही, आखिरी चरण में मतदान के साथ ही चुनाव जो है संपन्न हो जाएगा। उसके बाद बारी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट यानी परिणाम की रहेगी। तो 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम शुरू हुआ था। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान था। अब कल यानी आखिरी और 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीते दिन ही पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना कर दी गई थी। आपको जल्दी से बता देते कौन से ये वो 8 राज्य हैं जहां कल वोटिंग होनी है और किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, पंजाब की 13 सीटें, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनकी सीटों पर, जिन पर कल मतदान होगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। साथ ही आपको ये भी बता दें यूपी में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, जहां पर गोरखपुर से मौजूदा सांसद रवि किशन, तो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गाजीपुर से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। तो ये वो तमाम दिग्गज जिनकी साख दांव पर है। वहीं गोरखपुर में किस तरह से हलचल है, किस तरह से मौजूदा स्थिति है, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के लिए कल अंतिम चरण है, 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है, ऐसे में सुबह 7 बजे कल वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय। आज की अगर बात करें कैसी हलचल देख पा रहे हैं लोगों के बीच? जी, आज जो है आचार संहिता के नाते जो है एक दिन पहले चुनाव जो है प्रचार बंद कर दिया जाता है, तो लोग शांति तरीके से जो है घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं और एक दूसरे से वोट मांगते नजर भी आ रहे हैं। अगर वहीं हम बीजेपी की बात करें तो अभी कुछ देर पहले बीजेपी की वर्तमान ब्लॉक प्रमुख सोशल मीडिया पे एक अपना वीडियो डाल करके और लोगों से जो है कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसका लोगों में काफी रोष रहा और विरोध भी जताते लोग नजर आए। वहीं ब्लॉक प्रमुख को लोगों ने जो है विरोध किया, जिससे स्थानीय पुलिस ने काफी मशक्कतों के बाद मामले को जो है समझा बुझा करके वो मैनेज किया। क्योंकि अवनीश, अब मतदान में सिर्फ महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आपने बताया हलचल जो है काफी ज्यादा तेज है, अगर बात करें प्रशासन की तैयारियां किस तरह से और कितने मतदान केंद्र गोरखपुर में बात करें तो बनाए गए हैं और किस तरह से तैयारियां? जी, अगर हम गोरखपुर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 4 चौबंद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं अभी कुछ देर पहले पिंटू सिंह जो है लोकसभा कुशीनगर से प्रत्याशी हैं, जिनका पैसे का लेन देन की बात सामने आई, लेकिन पैसे की वीडियो बांटते हुए वायरल नहीं हो पाई। वहीं पिंटू सिंह से काफी घंटों जो है प्रशासन की बहस भी हुई,
प्रशासन से पिंटू सिंह ने कहा कि भाई हम अपने प्रत्याशियों को बस्ता बांट रहे हैं और पैसे नहीं बांट रहे। इस बात को लेकर के काफी झड़प भी नहीं, क्योंकि किसी मुखबिर की सूचना पे ये बात गई थी कि पिंटू सिंह जी जो है पैसा बांट रहे हैं, और इस तरह की बातें पूरे लगभग गोरखपुर के या अन्य बगल अगल बगल के जिलों में भी बातें चल रही हैं कि पैसे को बांटा जा रहा है, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। प्रशासन भी बड़ी तेजी से लगी है, और हम बात करें बूथों की तो हर बूथों पर जो है पैरामिलिट्री और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मुस्तैद कर दी गई तैनात हैं, क्योंकि कल जो है मतदान है उसको देखते हुए। हाँ, अगर वही हम बात करें धूप की, तो धूप इतनी कड़ी है कि हमको लग रहा है कि मतदान स्थल पे जो है इस समय वोटर्स कम दिखेंगे, और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा जो है मतदान स्थलों पे जो है टेंट वगैरह लगाए गए। यूपी में जितने चरण के चुनाव हुए, यूपी जो है सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत में पिछड़ा हुआ नजर आया, सबसे ज्यादा उदासीन यहाँ के वोटर्स दिखे। ऐसे में गोरखपुर में तस्वीर बदली जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं? उसकी खास वजह है धूप, इसलिए जगह जगह लोग कम दिखे, लेकिन गोरखपुर में जगह जगह बूथों पे जो है टेंट वगैरह लगा करके लोगों को जलपान की व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट की व्यवस्थाएं की गई ताकि लोग छाए में वोट कर पाए। लोगों के जो है जल की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य विभाग की भी टीम मौके पर लगी हुई है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं। लगभग इस बार जो है इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद कर दी गई हैं, ताकि वोटरों को कोई दिक्कत ना हो। यानी बिल्कुल पूरी तरह से तैयारियां जो हैं यहां पर कर दी गई हैं। आप बने रहिएगा अवनीश, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। सीधे अजय कुमार पांडे का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं अजय, क्योंकि झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में महज कुछ घंटे का और समय, और कल सुबह 7 बजे के साथ ही वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी, उससे पहले कैसी हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, झारखंड में जो कल 3 सीटों पे चुनाव होने हैं, यानी 2 सीट झारखंड में हॉटशीट मानी जा रही है, गुड्डा और दुमका। आप समझ सकते हैं कि हैट्रिक लगाने वाले निशिकांत दुबे इस बार चुनाव के मैदान में, लेकिन उनकी मुश्किलें जो है वो कम दिखाई नहीं दे रही हैं। उनको टक्कर देने के लिए आप सभी प्रदीप यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव दे रहे हैं, तो उनकी पूरी समीकरण को बिगाड़ने, यानी ब्राह्मण वोटों और उनके सामान्य कोटि के वोटों को समीकरण बिगाड़ने के लिए अभिषेक आनंद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी साख की लड़ाई गुड्डा से शुरू की जा सकती है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन पिछले बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नलिन सोरेन को टक्कर दे रहे हैं। तो अब ये दोनों साख की लड़ाई है, यानी समझिए कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की संथाल जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लगातार वहाँ अधिक विधायक हैं यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि शिबू सोरेन के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दुमका सीट के रूप में होगी। तो अगर हम राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल का जो समीकरण है, आप देख सकते हैं कि चुनाव के पहले ही लोबिन हेम्ब्रम, यानी वहाँ उनके गद्दावर नेता हैं एक लोबिन हेम्ब्रम जो निर्दलीय प्रत्याशी, यानी झारखंड। बिल्कुल, यानी अजय आखिरी चरण, और ऐसे में हलचल जो है आखिरी चरण को देखते हुए पूरी तरह से तेज। वहीं अगर बात करें जिस तरह से आप समीकरण समझा रहे थे कि समीकरण जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ जेएमएम, और तीसरी तरफ कांग्रेस जेएमएम को अब की बार सपोर्ट कर रही है, किस तरह से समीकरण आप बनते हुए या बिगड़ते हुए देख पा रहे हैं? यानी देखिए, आप समझिए कि तीनों सीट जो समीकरण जो है वो काफी टफ है, यानी किसी के लिए भी जो अभी दो, यानी समझ सकते हैं कि 3 सीटों पे 2 सीटें पर जो बीजेपी का कब्जा है, यानी गुड्डा और दुमका, तो झारखंड राजमहल जेएमएम का है, कि यानी तीनों सीटों की बात है, तीनों के लिए मुश्किलें हैं, किन्हीं के लिए आसान यह राह नहीं है। अंतिम चुनाव है, आप समझ सकते हैं कि जनता जनार्दन का फैसला एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, अपना फैसला जो भी होगा वो अब कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि दो जो बड़ी पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस के लिए भी उतनी नाक की लड़ाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी उतनी लड़ाई है, बीजेपी के लिए भी उतनी कठिन मुश्किलें राह दिखती है संथाल में। ठीक है अजय, आप बने रहिएगा, कमलेश के पास सीधे चलेंगे, कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो अंतिम चरण है, बेहद महत्वपूर्ण ये चरण, क्योंकि इसी के साथ लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हो जाएगा, उसके बाद बारी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट या परिणाम की रहेगी। ऐसे में कुछ ही घंटों का और समय, उसके बाद कल सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी, कैसी हलचल देख पा रहे हैं?
देखिए हलचल तो मिर्जापुर में भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रशासन सहित सारी व्यवस्था एकदम कर दी गई है। पोलिंग बूथ के लिए सभी लोग रवानगी हो गए, और बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा व्यवस्था भी एकदम तैनात कर दी गई है। और यही जो बात करें इलेक्शन के जो प्रत्याशी लोग हम आसान अपनी पूरी तैयारी से के साथ निकल गए हैं। आपको बता दें कि प्रचार जो भी हो रहा था कल तक ही कम गया, कल 6 बजे के बाद से कोई भी प्रचार मिर्जापुर जिले में नहीं हो सका है, सब रोक दिया गया है। आदेश जो है कि प्रशासन के आदेश पर आज सभी लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह से कल बोर्ड पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशी हम लोग अपने जितने भी कार्यकर्ता है सब कार्यकर्ता के साथ ही निकलेंगे और पर्चे को लेकर सब लोग का नाम दर्ज करते हुए वोट करेंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से मिर्जापुर में भी शांतिपूर्वक जो है की वोटिंग हो जाती है। अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 गाँव ऐसे है जहां पर कल के बेटने के प्रत्याशी जो की मतदान होने हैं, तो इस गाँव में वोट को लेकर बहिष्कार करने वाले अब बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मांग अभी तक नहीं पूरी की गई, इसलिए वहां के गांव को लोग एकदम पूरी तरह से आक्रोशित है। बिल्कुल कमलेश, इससे पहले भी जो बाकी अन्य चरण हुए वहां से भी कई सारे ऐसे क्षेत्रों से खबर आई जहां ग्रामीण जो थे विकास ना होने से परेशान थे और उन्होंने मतदान के बहिष्कार की जो है बात कही थी कि वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। अब की बार जैसा आपने कहा कि मिर्जापुर से भी ऐसी कुछ खबर है, तो प्रशासन की क्या कुछ सुध ली गई है, ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर? देखिए प्रशासन तो निरंतर जो ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, पर जो ग्रामीण का कहना है कि हमारी अभी तक मांग नहीं पूरी गई, हम लोग कोर्ट के अरे दफ्तर कलेक्टर से जो है की जो चक्कर लगाते हैं पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। पर इस समय तो इलेक्शन का माल वोट मांगने के लिए तो सभी आ जाते हैं, पर कैसे विश्वास करें कि इस बार भी कोई हमारी जो है हमारे गाँव का विकास करेगी। अगले साल ही बाकी एक गाँव है मिर्जापुर में जहाँ पर लोग इतने बुरी तरह से सब लोग गुस्सा है, निराश थे, आरती जो थी 2-3 बजे के बाद कुछ लोग शेर पर वोट कर पाए थे, बाकी लोग बहिष्कार कर दिए। और पूरी प्रशासन जाने के बाद पूरी वहाँ की निगरानी वहाँ के लोग को समझाने के बाद कुछ ही लोग जो है वोट डाले थे। आज बता दें इस बार फिर अभी तक उन लोगों का काम नहीं पूरा हो पाया है, लेकिन फिर इस बार निराशा हाथ लगी है देवी के लिए। यानी ग्रामीणों को यहाँ पर मनाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, हालांकि वक्त बताएगा कि कितना जो है वो कोशिशें रंग लाती हैं। साथ ही अगर कमलेश बात करें मिर्जापुर की, क्योंकि कल वोटिंग है, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां कर दी गई हैं, और क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो बाकी के अन्य चरण थे उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा, ऐसे में मतदाता ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, वोटिंग करे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे, उसके लिए किस तरह से तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल से ही जो है कि प्रशासन की पूरी व्यवस्था हो गई है और आर्मी वाले जो होते हैं सशस्त्र सीमा बल वो सब भी आके अपनी तैयारियां कर दिए हैं और सब लोग अपने लिए बहुत स्तर पर रवानगी हो चुकी है। वही प्रशासन की जो है की पूरी व्यवस्था कर दी गई है कि इस तरह जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मतदान हो। आपको बता दें 10 से 15 दिन पहले से मतदान का जो है कि जो प्रचार प्रसार चल रहा था कि हर लोग को मतदान करना जरूरी है इस बार, लेकिन जो इतनी सड़की भूख है कुछ लोग भूख के कारण भी मतदान हो सकता न करने जाए। और यही बहिष्कार को लेकर दूसरी बात जनता कह रही है कि जो कि हमारे कोई शहर में विकास नहीं हो पाया इसलिए हम मतदान नहीं करेंगे। अब देखना यह कि कल कितने लोग की जनता में मिर्जापुर की खड़ी उतरती है या फिर मतदान पूरा करती है। बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम, अब बारी जो है कल जनता की है कि घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। आऊंगी आपके पास वापस कमलेश, एक बार अवनीश मणि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कर्मभूमि इसे कहा जाता है, काफी काम उन्होंने यहां पर किया है, उसके बाद रवि किशन यहां से मौजूदा सांसद और अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके लिए प्रचार प्रसार करा, डिप्टी सीएम जो है दोनों उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया और खुद रवि किशन भी मौके पर डटे हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद, किस तरह से दिख रहा है गोरखपुर का रण और क्या कुछ समीकरण बनते हुए या बिगड़ते हुए? हम अगर बात करें गोरखपुर की रवि किशन जी की, तो यहाँ की जो जनता है उनका यह कहना है कि रवि किशन जी से खैर नहीं और मोदी और योगी जी से बैर नहीं। तो कहीं ना कहीं से योगी और मोदी जी के चेहरे को देखते हुए जो है यहाँ गोरखपुर की जनता रवि किशन जी को वोट कर रही है, और रवि किशन जी के नाम पे अगर हम वोट की बात करें तो मिलजुला असर है।
अच्छा वही अगर हम बात करें इस बार प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं वो इस समय जो है यज्ञ पूजन अनुष्ठान में लगे हुए हैं, तो वही अगर हम बात करें दोनों सदर और ग्रामीण सीट की, तो यहाँ के जो समर्थक हैं अपने पार्टी के समर्थकों के, तो वो निरंतर जो है यज्ञ पूजन हवन पारायण अपने घरों में शुरू कर दिए हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। निरंतर सुबह से यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं जिस तरह से अवनीश रवि किशन को बाहरी भी लोग कहते हैं और काजल निषाद क्योंकि स्थानीय है गोरखपुर की, ऐसे में कैसा माहौल गोरखपुर में बनता हुआ? जी अगर हम काजल की बात करें तो काजल का जो ग्राफ था निषादों में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। काजल निषाद जी निरंतर तंज कसते नजर आ रही थी कि रवि किशन जी जो है निषादों के कहते हैं किसान पसीने से बदबू आती है और कहीं ना कहीं से तमाम तरह के तंज काजल निषाद जी कस रही थी, तो जिसको देखते हुए बीते दो दिन पहले रवि किशन जी भी जो है निषाद बनते नजर आए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने आप को निषाद घोषित किया और वहाँ महिलाओं ने जो है रवि किशन निषाद के नारे भी लगाए। ठीक है अवनीश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। साथ ही जो हमारे साथ अन्य सहयोगी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात चंदौली की कर लेते हैं। कल सातवें चरण के लिए मतदान होगा, मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। नवीन मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 1 जून को 1541 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मुगलसराय विधानसभा में 407 बूथों पर वोटिंग होगी। सकलडीहा में 357 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें चंदौली से ये खबर। जहां यूपी की बात करें तो चंदौली समेत 13 लोकसभा क्षेत्रों में कल वोटिंग होनी है। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई है, मतदान के लिए तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं बाराबंकी में 5वें चरण में 20 मई को चुनाव हुए थे, जिसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कैद कर दिया गया था। जहां सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईवीएम पर नजर भी रखी जा रही है, वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेता पहरा डाले हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने कहा कि यहां पर ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। तीन बनाए गए हैं जहां पर मतगणना की जाएगी। लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां पर अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उस पर पूरी नजर रखी जाती है। सुरक्षा बहुत बढ़िया है, कोई भी ईवीएम बहुत सुरक्षित है यहां पे अभी। और जो तीन शेड बने हैं जिसमें मतगणना होनी है वो भी अभी काम चल रहा है, लगभग लगभग तैयार है। उसके भी बन गए हैं ईवीएम निकाल करके और मतगणना स्थल तक जो जाना है वो रास्ते भी बिल्कुल बैरिकेडिंग करके बन गए हैं अंदर। तो सब बहुत अच्छा व्यवस्था अंदर चल रही है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत होती है तुरंत ये लोग अपना एक्शन लेते हैं, बात करते हैं। बाहर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उस पर नज़र रखते हैं। 24 घंटे जो है ईवीएम के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगे स्ट्रांग रूम के बाहर, उसके 24 घंटे आप लोग सबको नज़र रखते हैं। और आना जाना भी अगर किसी अन्य आदमी का रहता है तो फिर ये तुरंत उस पर पूछताछ करने पहुँच जाते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी, परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। उन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी, कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं।
देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है, कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग 2:00 PM अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं आऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना, दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।